हजारीबाग उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन कार्यालय विश्व में किया। मौके पर उपायुक्त ने लगभग 2 दर्जन मामलों पर सुनवाई की तथा ऑन द स्पॉट निष्पादन के लिए संबंधित विभाग व पदाधिकारी को आवेदन अग्रसारित किया। इस मौके पर जमीन, दिव्यांग, पीएम आवास, भूमि अतिक्रमण, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, मुआवजा, बैंक ऋण माफी भुगतान, अवैध निर्माण आदि मामलों की शिकायतें सुनी गई। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन हर संभव जिलेवासियों की मदद हेतु तत्पर है। सुनवाई के क्रम में बड़कागांव निवासी सुरेश साव ने खतियानी जमीन की बिक्री पर रोक लगा दिए जाने के संबंध में कटकमदाग प्रखंड के निवासी अनीता देवी को गरीब विधवा को सरकारी योजना के तहत मदद के संबंध में टाटीझरिया निवासी मुकेश कुमार द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण संबंधी जानकारी दी। कटकमदाग प्रखंड के हारून रसीद ने अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा नियम विरुद्ध मनमानी कार्य करने के संबंध में गरीबी के कारण सदर प्रखंड के इलियास खान ने आंख के ऑपरेशन के लिए आर्थिक मदद हेतु आवेदन, सदर प्रखंड के मंडई खुर्द के मनोज कुमार ने अपने फसल का हाथियों के झुंड के द्वारा नष्ट किए जाने व उचित मुआवजा हेतु आवेदन दिया। दारू प्रखंड निवासी धनु साव ने मेढकुरी कला में 14वें वित्त आयोग से आरंभ की गई योजना अंतर्गत किए गए कार्य के भुगतान करवाने के संबंध में आवेदन दिया। उपायुक्त ने कई मामलों पर ऑन द स्पॉट टेलीफोन के माध्यम से संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया एवं सभी संबंधित विभाग को आवेदन अग्रसारित किया एवं उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। इस अवसर पर प्रशिक्षु IAS सौरभ भुवानिया एवं सहायक निदेशक नियाज अहमद मौजूद थे। हजारीबाग से आशीष कृष्णन की रिपोर्ट।